गुड मॉर्निंग बच्चों, ये क्लास फाइव की क्लास और यहाँ पे मैं आप सभी के साथ कल हमने ब्रेन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। ब्रेन कैसे हेल्पफुल है और कैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जाना जाता है हमारे शरीर का। अब उसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे, द ह्यूमन ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है। जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। तो देखेंगे, आप लोग अपने बुक में पिक्चर देख रहे होंगे पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ठीक है। तो उसी में जो थ्री पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं, तो फर्स्ट पार्ट होता है आपका सेरेब्रम, ठीक है। सेकेंड है सेरेबिलम, ठीक है। और थर्ड पार्ट जो है वो है मेडुला। ठीक है, ये थर्ड पार्ट है मेडुला। तो हमने बताया कि जो हमारे ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन इज ब्रेन इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स। ब्रेन जो है वो हमारा जो ब्रेन है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है सेरेब्रम, दूसरा है सेरिबेलम और तीसरा है मेडुला, ठीक है। ये थ्री पार्ट्स है ब्रेन के जिसमें ये डिवाइडेड है। तो सबके अलग अलग काम भी है, ठीक है। जैसे कि हमारे शरीर का जो भी पार्ट होता है सबके अलग अलग काम होते हैं, ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ अलग अलग काम है। ठीक इसी प्रकार इसका भी कुछ अलग अलग काम होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि द सेरेब्रम इट इज द टॉप मोस्ट पार्ट, ठीक है। ये हमारे ब्रेन का जो है टॉप मोस्ट पार्ट होता है। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है। ये ब्रेन का जो ब्रेन थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है, उसका ये टॉप मोस्ट पार्ट है, यानी कि सबसे ऊपर होता है। एंड इट इज द लार्जेस्ट पार्ट, ये जो होता है लार्जेस्ट पार्ट है उस तीनों पार्ट्स में। एंड हैज लॉट ऑफ फोल्ड्स, उसमें बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं, सबके अलग अलग एक्टिविटीज होती है। इट कंट्रोल्स आवर सेंस ऑर्गन्स, ये हमारे सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये जो सेरेब्रम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये सेरेब्रम की मैं बात कर रहा हूँ, ये हमारे सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये हमारे सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं, ठीक है, ये हमारे सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं उसको कंट्रोल करता है। ओके, द आउटर लेयर ऑफ द सेरेब्रम इज कॉल्ड द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। जो आउटर लेयर होता है ब्रेन का, तो मैं फिगर बनाने से रहा,
ठीक है, अगर इस साइड से देखा जाए तो मैं बना रहा हूं, ठीक है, ये इसके अलग अलग चैम्बर्स होते हैं, बहुत अच्छा बन नहीं गया है, ये पूरा ब्रेन है, ठीक है। और ये पार्ट जो है, जिस पार्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो ये है सेरेब्रम, ये पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट सेरेब्रम। ठीक है, ये पार्ट सेरेब्रम है, तो इसके ये पार्ट जो होता है, ये ठीक है, ये पार्ट ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है, सेरेब्रम, मेडुला और सेरिब्रम, ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स में ये हमारे ब्रेन जो है डिवाइडेड है। इस तीनों पार्ट्स में जो सबसे बड़ा पार्ट होता है वो है सेरेब्रम। सेरेब्रम जो है वो सबसे बड़ा पार्ट है, वो टॉप मोस्ट यानी कि सबसे ऊपर रहता है। The outer layer of the cerebrum is called cerebral cortex. जो outer layer जो होता है, इसका outer layer जो होता है, ठीक है, इसका जो outer layer होता है इस cerebrum का, उसको हम लोग कहते हैं cerebral cortex, ठीक है, उस outer layer को हम लोग कहते हैं cerebral cortex. We learn and memorize with the help of this part of the brain. हम लोग जो कुछ सीखते हैं या फिर memorize करते हैं या remember करते हैं, ठीक है, with the help of this part of this brain, and also have intelligent logical thinking. और जो intelligent logical thinking जो होती है, जैसे कि हम लोग कुछ बनाते हैं, जैसे मैं आप कह सकते हैं reasoning वगैरह, ठीक है, reasoning बनाते हैं, है ना, तो reasoning में जो logical thinking की जरूरत होती है, आप उसमें logic लगाकर ध्यान दो कि उसका सही answer क्या होगा, तो उसमें जो दिमाग जो खपाना पड़ता है, ठीक है, दिमाग जो दौड़ाना पड़ता है, ठीक है, तो वो काम सिर्फ ये सेरेब्रम करता है, ठीक है, जो ब्रेन का जो पार्ट है सेरेब्रम, ये थिंकिंग का, जो लॉजिकल थिंकिंग का भी काम होता है वो सेरेब्रम करता है। अब हम लोग बात करते हैं द सेरेब्रम, ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं द सेरेब्रम। सेरेब्रम इज द स्मॉल ब्रेन एट द बैक ऑफ द हेड। सेरेब्रम जो होता है, ये सामने, कोई सामने देखा है, यानी कि इस टाइप से है फिगर, ठीक है, इस टाइप से है फिगर, इस ना तो इस टाइप से है और ना पीछे टाइप से है, फिगर इस टाइप से है, ओके। ठीक है, तो ये अगर सेरेब्रम, अब ये जो पार्ट आप देख रहे हो, जिसका फिगर हमने बहुत ही घटिया तरीके से बनाया है, ठीक है, इसकी तो कोई भी तारीफ नहीं की जा सकती है, ये मुझसे बना ही नहीं, आप लोग इसका ढंग से बना सकते हो, ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं सेरेब्रम इज द स्मॉल ब्रेन एट द बैक ऑफ द हेड। छोटा दिमाग जो हमारे होता है, मतलब कभी कभी घर के लोग भी कहते हैं ना, पीछे में एक छोटा सा दिमाग है, ठीक है, वहां पर नहीं मारने के लिए वहां पर छोटा दिमाग है, है ना, सबको कहा जाता है, सब लोग ऐसे ही बात करते हैं, है ना, तो इसी के बारे में बात किया जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं सेरेब्रम, ठीक है, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं इस पार्ट को हम लोग कहते हैं सेरेब्रम। और इनका क्या काम होता है, जैसे कि हमने बताया कि लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है,
और सेंस ऑर्गन्स से यही कनेक्टेड रहते हैं, सेंस ऑर्गन्स को भी यही कंट्रोल करते हैं, सेरिब्रम ठीक है, सेरिब्रम कंट्रोल करते हैं सेंस ऑर्गन्स को, और लॉजिकल थिंकिंग वगैरह जो होता है, रिमेम्बरिंग, मेमोराइजिंग, ये सब काम जो होता है ये सेरिब्रम करता है। तो ये सेरिब्रम का क्या काम होता है, ठीक है, दैट इज नोन एज स्मॉल ब्रेन, और ये स्मॉल ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। स्मॉल ब्रेन है ये हमारे दिमाग, हमारे सिर के ठीक पीछे। इट हेल्प इज मसल्स कोऑर्डिनेट एंड टू मेंटेन बैलेंस ऑफ द बॉडी, ठीक है, ये हमारे बॉडी के बैलेंस को बनाए रखता है। इट कंट्रोल्स आवर मसल्स मूवमेंट बैलेंस एंड हेल्प्स इन लर्निंग न्यू थिंग्स। ये सेरिब्रम की हेल्प से हम लोग न्यू थिंग्स लर्न करते हैं, सीखते हैं, ठीक है। एंड इट कंट्रोल्स आवर मसल्स मूवमेंट, ये हमारे मसल मूवमेंट को भी कंट्रोल करता है, जो हमारा मसल मूवमेंट जो होता है उसको भी ये कंट्रोल करता है, और इसी की मदद से हम कोई नई चीज़ सीख पाते हैं, ठीक है, इसी की मदद से हम कोई नई चीज़ सीख पाते हैं। तो अब बात किया जाए द मेडुला, ठीक है, द मेडुला की बात की जाए, इसकी बात की जाए, ऑटोमेटिक एक्शंस इन बॉडी, ब्रीदिंग, डाइजेशन एक्सेट्रा। अब इनका काम क्या होता है, इसमें इसके थ्रू न्यू थिंग्स सीखते हैं, ठीक है, और ये हमारे बॉडी को बैलेंस्ड बनाए रखता है, ओके, और ये मसल मूवमेंट को भी बनाए रखता है। तो अब हम लोग बात करते हैं द मेडुला की। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन स्टीम, इस मेडुला को हम लोग ब्रेन स्टीम के नाम से भी जानते हैं। ब्रेन स्टीम के नाम से भी इस मेडुला को हम लोग जानते हैं, ठीक है। ब्रेन स्टीम के नाम से भी इस मेडुला को हम लोग जानते हैं। इनका क्या काम है, इनके काम के बारे में जानते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन स्टीम, इसको ब्रेन स्टीम भी कहा जाता है। मैनी एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी सच एज हार्ट बीट, डाइजेशन, ब्रीदिंग, स्नीजिंग, स्वॉलिंग फूड एंड कंट्रोल्ड बाय दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन। जैसे कि स्वॉलिंग फूड, खाना को निगलना, डाइजेशन, ठीक है, हार्ट बीट, ब्रीदिंग, इन सभी चीज को जो कंट्रोल कोई करता है वो मेडुला करता है, ठीक है, चाहे वो आपका स्नीचिंग हो या फिर स्वॉलिंग फूड हो, ठीक है, या फिर हार्ट बीट हो, ब्रीदिंग हो, कुछ भी हो, इन सब को कंट्रोल करता है मेडुला, ओके, मेडुला इन सभी को कंट्रोल करता है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर बात आती है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द ब्रेन इज जस्ट 2% ऑफ योर बॉडी वेट, आपका जो बॉडी वेट है, ठीक है, उस वेट का सिर्फ और सिर्फ 2%, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 2% होता है आपका ब्रेन का वजन। यानी कि आप कह दो कि अगर आपका आपका बॉडी का वेट जो है वो 100 kg है, ठीक है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 kg आपके 2 kg आपके ब्रेन का वजन होगा अमूमन इतना तक। बट इट यूजेस अराउंड 20% ऑफ ऑल योर एनर्जी फ्रॉम द ब्लड एंड ऑक्सीजन इन योर बॉडी। लेकिन जो एनर्जी जो प्रोड्यूस होता है, जो हमने बताया कि जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है शरीर के अंदर, उसका 20% सिर्फ और सिर्फ ब्रेन ही यूज करता है, ठीक है, उसका 20% सिर्फ और सिर्फ ब्रेन यूज करता है। जो एनर्जी जो हमारे शरीर में प्रोड्यूस होता है, जो एनर्जी हमारे शरीर में बनता है,
उसमें 20% सिर्फ और सिर्फ ब्रेन यूज करता है उस एनर्जी को, ठीक है। लेकिन इसका वेट जो होता है हमारे पूरे शरीर के भार का करीब करीब 2%, ठीक है, 2% जो है हमारे शरीर के वेट का 2% करीब करीब होता है। तो फिर से एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं, जो हमारा ब्रेन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है, सेरिब्रम, सेरिब्ला और मेडुला, ठीक है। कौन कौन है? सेरिब्रम एंड मेडुला, ये 3 पार्ट्स है। सेरिब्रम का काम जो होता है वो और सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ये टॉप ऑफ द पार्ट होता है हमारे शरीर का, मतलब टॉप पार्ट होता है ये। एंड इसके आउटर सेल जो होते हैं उसको सेरिब्रम कॉर्टेक्स कहते हैं। इसके मदद से हम लोग मेमोराइज करते हैं, ठीक है, और सोचते हैं। इंटेलिजेंट लॉजिकल थिंकिंग जो होता है, ठीक है, इंटेलिजेंट लॉजिकल थिंकिंग वो हम इसी की मदद से कर पाते हैं। सेरिब्रम का काम क्या होता है? इससे हम लोग न्यू थिंग सीखते हैं, जो न्यू थिंग्स होता है और जो हमारे मसल्स है उसके मूवमेंट वो सेरिब्रम से कंट्रोल होते हैं, सेरिब्रम से नहीं, सेरिब्रम से वो कंट्रोल होते हैं। और मेडुला का क्या काम होता है? तो इससे ये हार्ट बीट, ब्रीदिंग, स्नीचिंग, स्वॉलिंग फूड, ये सब को कंट्रोल करता है, ठीक है, इन सब चीज़ को कंट्रोल करता है मेडुला। मेडुला ये इस पार्ट को कहते हैं। ये हो गया आपको सेरिब्रम, ये सेरिब्रम, ठीक है, ये सेरिब्रम, ये फिर सेरिबेलम, ठीक है, सेरिब्रम, सेरिब्रम और ये मेडुला, ये 3 पार्ट्स है, ठीक है। तो इन सब चीज़ को आप लोग रिवाइज करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल हम लोग स्पाइनल कोड, नर्व्स, ओके, इसके बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे, स्पाइनल कोड है और नर्व्स के बारे में कल हम लोग जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच।